डॉक्टर अनिल कुमार सिंह आए हैं जी। डॉक्टर जी क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर जी आपके पास कोई इलाज है इनका? ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है महली जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, यानी कि लाइलाज है और हमको झेलना पड़ेगा इनको। मैं आपको पहली बात तो आपको मैं बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आपने आज इस आदमी को जिस तरह से लिया है ना, एक घटिया आदमी। ये लोग क्या धर्म के नाम पे धंधा और लोगों को बेवकूफ बनाने का जो एक कारोबार करते हैं ना, आपने आज बहुत मस्त काम किया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सच में पद्मावती है, जो आपने कहते हैं जो वीमन एम्पावरमेंट, क्या होता है आदमी को उसकी औकात दिखा देना, और इसको अभी मेरी लीला में जो आ जाओ, औकात अभी मेरे दिखा भक्त बन दिया जाओ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। आपने। अरे आप, मैं औरतों का बहुत पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि औरतें ज्यादा सशक्त हो। मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ यहाँ, जी और आपने जो कहा था ना कि भाई ये जो कोरोना आने के बाद जो क्वारंटाइन हुआ, उसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि आपको आपके आपकी चैनल मिल गई मुझे, बहुत अच्छा अच्छा भी लगा। दूसरा, मुझे एक बात कहनी थी कि ये क्वारंटाइन में मर्दों को ये पता चलना चाहिए कि तुमने हजारों साल से औरतों को जो घर में डाल के रखा है, क्या तकलीफ होती है। ये जो 10 दिन 20 दिन घर में रहना पड़ा ना, भारी पड़ गया लोगों को। ये जो औरत को अपने अपने नीचे जो औरतें पैदा करती हैं इनको, मर्दों को, वो उनको जो है अपने पांव की जूती समझने लगते हैं। ये आदमी जो आके रोज बैठता है, आपने थोड़ा सा इसको लिफ्ट दिया, आप आपके नाम को बेच रहा है, और यानी बकवास आदमी है। मुझे आज बहुत खुशी हुई है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था इसको, और मुझे लग रहा था कि आप, अगर आपकी जगह कोई और औरत होती ना, तो मानसिक रूप से टूट जाती। मगर आपने जो हिम्मत दिखाई अरे और आज इसकी जो लेफ्ट राइट ली है ना, नहीं, क्योंकि लेकिन ये हमको बहुत पता है बेशरम आदमी है ना, महली हमें पता है। हाँ ये हो गया, और नगेंद्र गांडे, ये दो तो भैया, इन दोनों को जी। अगर बेगैरती में अवार्ड मिलता ना तो ये दोनों टॉप में कंपीट कर रहे होते कि किसको बेगैरती में नंबर वन आना ये चाहिए। बात है। और ये पर जितने आप तो अच्छे से सनातनी और ये ठुकाई सब हुई, लोग हैं आप ना, तो मैं अच्छे आपको से ठुकाई बताऊं, की है आप लोगों ने, इसलिए धर्म तो के मैं। नाम पे जो है ना, ये लोग एक, मैं क्या बताऊं, मैं मेरा इस पे रिसर्च है, सांप्रदायिक राजनीति और हिंदी उपन्यास। तो उस संदर्भ में मैंने धर्म के बारे में जो भी पढ़ाई की है, मैं मानता हूँ कि ये लोग है ना बहुत ही बकवास, यानी कि कहानियों को सच हकीकत बनाने के चक्कर में, और एक पॉलिटिक्स, और पूरी दुनिया को धर्म ने ही सत्यानाश किया हुआ। अगर धर्म चले जाए ना दुनिया से, ये दुनिया बहुत मगर खूबसूरत ये है। धार्मिक है नहीं ना। देखिए मैं बताती हूँ ना क्यों, डॉक्टर जी, क्योंकि ये बंदा झूठ बोलता है। ये वहां बैठ के झूठ बोलता है कि वो मेरी आईडी है, मैं बैठी हूँ दूसरी आईडी से। जब आप ये झूठ मुंह पे हाँ बोल रहे हो, जी, मुझे पता है ये चीज का, जब आप झूठ मुंह पे बोल रहे हो तो उसका मतलब ये कि आप जो भी बातें कर रहे हो वो सारी झूठी है आपकी, और आप मक्कार हो। आपको पता है कि आप झूठ बोल के आप किस लिए बैठे हो? जब इसकी मुंह पे शक्ल देखा करो, जब इसकी वो स्माइल आती है मक्कारी वाली, ये इसी वजह से वो बोलता है ये सारी चीजें झूठी बोल रहा है। इसको पता है, मगर इसको ये भी पता है, ये सियाणा है कि मैनिपुलेट कैसे करना है लोगों को, लोगों की चीजें। बैठता है वहां पर बैठ के इनकी चीजें सुनेगा। पहले मोरानी ने उस दिन कह दिया इसके पेट में दर्द था, पता नहीं क्या था, तो मोरानी को पकड़ लिया, मैंने कराया उसके पेट में दर्द, दीपक पांडे अरे की तबीयत खराब थी तो मैंने की उसकी तबीयत खराब। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है लोगों से। दीपक पांडे ने बता दिया उनका बिजनेस क्या है, वो क्या करते हैं, तो सारा दिन बैठ के उनके कैरेक्टर को बोलता रहता है, वो शराबी, वो जिनाकार। तो भाई तू नहीं करता शराब, नहीं पीता, तो हम पे एहसान कर रहा है। नहीं, हमारे पे एहसान किया, तूने जिना नहीं किया। जिना तू जिना कर लेता ना, वो ज्यादा बेहतर था। तूने जो किया है ना 14 बच्चे पैदा करके, वो ज्यादा खराब काम है। वो 14 बच्चों को पालेगा कौन, उनको आगे कौन देगा? और उन 14 बच्चों को तुझ जैसे पागल को झेलना है। उनकी तो हाँ, ऑलरेडी, उनको तो ऑलरेडी जो है ना साइकाइट्रिक वार्ड में डलवा देना चाहिए कि इन लोगों को जो है वाकई में मेंटल हेल्प चाहिए, क्योंकि इनका बिल्कुल बाप ऐसा बिल्कुल, पागल है।